नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा ड्रेस मेकर। और मैं नेहा आज आपको बताने वाली हूँ शोल्डर कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए, ये ब्लाउज़ मैंने पहले से रेडी किया हुआ है और स्लीव्स भी, तो मैं एक अलग तरीका आपको शोल्डर कट करने का बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ पहले से ही रेडी किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप रेडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स ली हुई हैं। अब हम इनको जो शोल्डर से अटैच कर देंगे, पहले कट नहीं करेंगे। तो देखिए, मैंने अटैच कर लिया है और अब हम एक शोल्डर कट पे कट लगाना है। लोग क्या करते हैं, पहले ही कट लगा लेते हैं, तो वो नहीं करना है। उससे फिनिशिंग आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए, मैं आधा इंच जो है शोल्डर पर कट कराऊँगी और बाकी का 2 इंच स्लीव्स पे। तो 2.5 इंच टोटल मैं लेने वाली हूँ शोल्डर कट करने के लिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा होगा, आधा इंच मैंने शोल्डर पे रखा हुआ है और 2 इंच नीचे, यानी टोटल इसकी जो कटिंग की मेज़र है वो 2.5 इंच का रहेगा। तो मैं इस पे निशान लगा लूँगी, ये देखिए। अब आपको इसको इस तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेते हैं, सेम मार्क लगाना है। ये देखिए, मार्क हमारा लग चुका है। अब हमको इसको गोलाई देनी है या हमें इसको कर्व रखना है, तो इसको पहले बराबर करेंगे दोनों को और बराबर मेज़र करके देख लेंगे। और देखिए, मैंने दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है बराबर करके। तो अब हम इसको शेप दे देंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ से देखिए सेंटर नापने के लिए आप चाहें तो 1 इंच, देखो 1 इंच की गहराई दे सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए तो मैंने 1 इंच लिया हुआ है। आप चाहें तो कम कर सकते अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 इंच की गहराई से इसको मार्क कर दिया है और मैंने इसको बिल्कुल भी सेंटर से गोल नहीं रखा है, थोड़ा सा इसको कर्व दिया है, जो एग साइज रहता है उस साइज का दिया है मैंने। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसका मार्क मैंने कितना लगाया है शोल्डर पे। ये देखिए, 2.5 इंच पूरा है। तो चलिए, अब हम इसको यहाँ से, ये देखिए मार्क लिख रहा है आपको, ये पूरा मैंने ओवल शेप में दिया हुआ है इसको, इसको बिल्कुल सर्कल नहीं किया है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने दोनों स्लीव्स को बराबर रखा हुआ है, आप देख सकते होंगे, ये देखिए, जो शोल्डर हैं और स्लीव्स मैंने अटैच पहले ही कर ली थी, पहले स्लीव्स को कट नहीं किया है। नहीं, लोग क्या करते हैं, बिना सिले ही स्लीव्स को कट करते हैं तब जॉइंट करते हैं। तो देखिए, ये मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, ये देखिए, इसको उसी शेप में कट करना है, ओवल शेप में, तो आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो सर्कल भी बना सकते हैं, आपके मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसा भी शेप देना चाहें। तो देखिए, मैंने इतना कट किया है, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक लेके इसी जो पट्टी है इसकी वो बना लूँगी। तो मैंने देखो इस तरीके से 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये उसी जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है मैंने उसी में से कट की हैं, क्योंकि छोटा छोटा था तो मैंने उसका मेजर करके इन दोनों को सर कट कर लिया है। अब इसके ऊपर रख के हमें, ये देखिए, इस तरीके से हम रख लेंगे, ये देखिए, और सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे। सिलाई ज़्यादा भी सेंटर में भी नहीं लगानी है और बिल्कुल किनारे पर भी नहीं लगानी है, थोड़ा सा आधा आधा इंच का गैप देते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए, हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो, मैंने दोनों स्लीव्स में जो कट किए थे वहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब मैं इसको हल्का हल्का कट दे दूँगी अंदर की तरफ से, पूरा सिलाई तक कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कट करना है। और कट से क्या होगा, आपका जो इसको मोड़ेंगे तो कोई भी जो एक गांठ सी पड़ जाती है टाइट, वो मुड़ती नहीं है, वैसा नहीं होगा, सही हो जाएगी, एकदम परफेक्ट फिनिश फोल्ड होने पे आती है, कोई झोल वगैरह वैसा कुछ भी नहीं रहता है। तो
तो देखिए इस तरीके से हम अब इसको पलट के अंदर की तरफ ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको ऐसे ही चारों तरफ हमें कर लेना है। देखो इसको मैं अंदर कर दूंगी अभी, ये देखिए ये पूरे जो है मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई की थी, अभी इसको अंदर की तरफ करके और सिलाई कर देना है। तो देखिए मैंने ये सिल दिया है और आपको इसकी शायद कटिंग पूरी दिख रही होगी, लगभग कंप्लीट हो चुकी है शोल्डर कट की। तो बहुत ही इजी है ये। अब हम इसकी जो साइड में सिलाई नहीं की थी मैंने फिटिंग की, वो कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे अभी इसको क्या है, हमें धागे से चाहें तो आप हेमिंग कर ले, क्योंकि ये सिलाई मैंने की हुई है कच्ची इसके ऊपर, तो मैं हेमिंग करूँगी इसके ऊपर। ये देखिए तो अभी हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, बहुत ही शानदार दिख रहा होगा और पहनने के बाद लुक इसका बहुत ही गजब आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लाउज़ देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर।